मुझे तो लगा था एक हॉलीवुड फ्रेंच इंस्पायर्ड शो बनने वाला है, बिकॉज जब मैंने पढ़ा था आई वाज लाइक द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ म्यून्स. अगर मुझे और 25 सीरीज कॉमेडी की मिलेगी तो थोड़ी दिनों में लोग बोलेंगे ये क्या है, तो वही करती है. कितना डिफरेंट कर लेगा कोई आदमी. राइटिंग में सबसे कमाल की बात थी कि सारे कैरेक्टर्स डिफाइंड थे. Hi, today we're joined by the cast of The Great Weddings of Munnes, Abhishek Banerjee, Barkha Singh and Sunita Rajwar. हम start करते हैं, आपका जो trailer आया था उसके बाद comments positive ही हैं सब नीचे, मतलब लोग बहुत excited हैं कि premise इतना अच्छा है, story इतनी अच्छी है. तो जब आपने पहली बार script सुना था, क्या आपने immediately हाँ कर दी थी या फिर थोड़ा वो था? नहीं, मेरा immediate हाँ था, मैंने तो one-liner पे भी हाँ बोल दिया था. मेरा भी immediately हाँ था. मुझे तो लगा था एक हॉलीवुड फ्रेंच इंस्पायर्ड शो बनने वाला है, बिकॉज जब मैंने पढ़ा था आई वाज लाइक द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ म्यून्स. मुन्नेस तो पढ़ा ही नहीं था उस टाइम. एक्चुअली जो कास्टिंग टीम से भी आया था, मेरे को सिर्फ MUNES आया था. इन माई डिफेंस MUNNES नहीं आया था. बट कोई भी रोल एक्सेप्ट करने से पहले आई एम श्योर देर आर मतलब क्राइटेरिया जो आप चेक करते हैं कि अच्छा विल दिस रोल बी फिट फॉर मी और नॉट. तो इस शो में जो आपका रोल है, व्हाई डिड यू से यस टू दैट? द राइटिंग वाज डिफरेंट, जो कि मुझको तो एक्चुअली पहले समझ में नहीं आई थी. लिटरली टिल वी फिनिश्ड द फर्स्ट शेड्यूल आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली इट इज, बट धीरे धीरे वो समझ में आया कि ओके एज आई हैव बीन डूइंग कॉमेडी. तो मैं थोड़ा तो ऐसा होता है ना कि आप जब टाइप कास्ट हो जाते हो तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू कुछ तो थोड़ा भी एक शेड डिफरेंट हो जाए ना. अगर मुझे और 25 सीरीज कॉमेडी की मिलेगी तो थोड़ी देरों में लोग बोलेंगे ये क्या है, तो वही करती है. कितना डिफरेंट कर लेगा कोई आदमी. इट शुड बी समथिंग आदर द प्रोजेक्ट और समथिंग अबाउट इट एट द मेकर्स द प्रोड्यूसर्स द राइटर्स समथिंग शुड मेक यू बी वेरी एक्साइटेड. टेक फॉर एग्जांपल दिस शो, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड अप टिल नाउ बीन डूइंग. सो दैट्स व्हाट आई लुक एट, लाइक सम प्लेस वेयर आई कैन शो सम वर्सेटिलिटी, वेयर आई कैन ट्राई टू शो सम वर्सेटिलिटी रादर, एंड वेयर इट्स एक्साइटिंग, इट्स अलग. आई न्यू राज चांडलिया एंड द काइंड ऑफ वर्क ही हैज बीन डूइंग. ड्रीम गर्ल में वी हैड कोलैबोरेटेड. वो आई थिंक वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके रोल ऑफर किया था आफ्टर वॉचिंग स्त्री. और मैं तब भी उनसे जब मिला था, मुझे उनका 20 मिनट का नरेशन काफ़ी था ये समझने के लिए कि इनकी पिक्चर बहुत ज़्यादा फनी होने वाली है. कभी कभार क्या होता है कि मेकर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर की मुझे बात पता थी कि ये बहुत ऐसा है जहाँ पर लिखा जो राइटिंग है उसके साथ साथ राइटिंग में सबसे कमाल की बात थी कि सारे कैरेक्टर्स डिफाइंड थे. कैरेक्टर डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सिर्फ लीड्स के लिए डेफिनेशन होता है कैरेक्टर में, देन द शो माइट नॉट वर्क एज सक्सेसफुली एज इफ ऑल द कैरेक्टर्स हैव समथिंग टू डू, राइट? एंड जैसा आप कहते हैं शो में देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स, इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा बस कॉमेडी, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स. सो वाज देयर ऐसा कोई टाइम था वेयर यू वर लाइक ये नहीं हो रहा है मुझसे? आई थिंक वो जो शादी का सीक्वेंस था और बहुत ठंड थी, हम सारे एक्टर्स बहुत ही परेशानी में थे उस रात. इतनी ठंड, दिमाग ही वो हो गया था, ठंडा पड़ गया था. हां, टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, ये था दिसंबर के महीने में, जयपुर में रात नाइट शूट थी, पूरी रात हम शूट कर रहे थे. किसी की शादी थी हमारी, हां हां शादी थी. एंड फुल नाइट वी शॉट दैट इन विंटर, पीक ऑफ विंटर जयपुर में. और उस रात एज दे सेड, वो लोकल्स भी बोल रहे थे कि आज जबरदस्ती की ज्यादा ठंड पड़ी है, मतलब आग में पांव दे भी दें तब भी हमें तो भी नहीं गर्म नहीं लग रही थी, उतनी ठंड थी. दैट दोस टू नाइट्स वर वेरी डिफिकल्ट टू शो. फिर शो से कोई यादगार मेमोरी हो, हैप्पी मोस्ट लाइक नॉट अदर देन जो ठंड वाले दिन के साथ दैट यू आर टेकिंग होम विद यू? लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड ऑनेस्टली आल्सो आई लर्नड अ लॉट ऑन दिस शो, cuz इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी टू लर्न फ्रॉम, एंड लाइक यू नो एवरीवन वाज वेरी गिविंग. मोस्ट ऑफ द एक्टर्स ऑन द शो बिलीव्ड इन मेकिंग द सीन एज अपोज टू ट्राइंग टू शाइन इन द सीन देमसेल्व्स. तो वो बात मुझे करने में बहुत मजा आया. इनफैक्ट कई बार तो दूसरा एक्टर दूसरे को बोल रहा था, अब अपनी लाइन है तू, ये वाली लाइन तू बोल ले, ऐसा नहीं लगेगा तेरे कैरेक्टर में बेटर रहेगा, तेरे कैरेक्टर में ज्यादा. ये लाइन मैं नहीं बोल रही, ये नहीं होता था कि ये इसकी लाइन मैं बोलूंगा, ये होता था कि मेरी लाइन इसको दे दो, ये इस पे ज्यादा ठीक बैठेगी, मैं ये इतना क्यों बोल रही हूँ या क्यों कर रहे हैं. एंड वी ऑल यूज्ड टू सिट, और ये होता था कि अरे आप ऐसा कुछ करो, आप ऐसा कुछ करो. सो इट वॉज
a very healthy atmosphere. Yeah. ठीक है, so now we're going to play a quiz. Okay. अगर options चाहिए होंगे, I won't give you options. The start चाहिए होंगे तो मेरे को पूछना. चलिए ठीक है. Left to open this here. ठीक है. पहला is. शहर बना के लाई हैं आप. सब ऐसा है. Option में मेरे को याद थोड़ी रहेगा. Thank you, thank you. पहला question तो ये है कि I'll go from easy to थोड़ा hard. राज चंडेलिया जी के दो films का नाम. जनहित में जा रही और Dreamgirls. Dreamgirls. हाँ, correct. गुड सेकंड वाला इसकी अभिषेक जी ने दो एक फिल्म और एक शो है जिसमें उन्होंने कास्टिंग और एक्टिंग दोनों किए स्त्री आपको भी नहीं पता आपको भी लगता मैंने शुभमंगल ज्यादा साहब अरे कैसी बात है उसमें थाई काम है एक्टिंग कहां की तुमने गलत भेड़िया रश्मि रॉकेट वो तो अभी आई नहीं नहीं रश्मि रॉकेट भी गलत पूरी दुनिया को यही लगता है कि मैंने अपने आप को हर फिल्म में कास्ट किया है भगवान बाला करेक्ट है पाताल लोक ओह ओके ओके अजी भी आपने बनाई थी व्हाट डिड यू डू कास्टिंग फॉर दैट यस आई मीन बिकॉज़ देवाशीष के साथ मैं कास्टिंग किया मैं कुछ भी कर सकता हूँ मतलब वो मुझे बोलेगा आर्ट का काम करने के लिए मैं वो भी करूंगा मतलब या सो बिल्कुल एंड देव की हर फिल्म की कास्टिंग मैं करता हूँ आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व विद व्हाटएवर वर्क ही डज तीसरा क्वेश्चन बरखा जी ने As a child actor, किस फिल्म में काम किया था? मुझसे दोस्ती करोगी? ये बता दो कि cheating हो गई। कहाँ बात हुई थी? कहाँ बात हुई थी? हमें तो कुछ नहीं पता। अच्छा। मैंने तुझे देखा था, okay? I remembered you from then. Yes. देख बरखा, I couldn't tell you, but मैं तुझे तब से I had कि ये वही है। अच्छा अच्छा। I just couldn't tell you. Okay okay understood. तब से समझा था कि cast करेंगे मुन्नेस में तो पक्का। तो मुन्नेस से ज़्यादा घबरा गया। तब से सोच लिया था। Next question is. अब बस अभी acting हो गई. Extra points, extra points. वही ना. हाँ. और देखी थी. अच्छा चौथा question is कि easy actually पाताल लोक में अभिषेक जी का character का नाम क्या था? हथौड़ा त्यागी. ये तो बड़ा. Main name. मतलब हथौड़ा तो फिर वो हो गया ना कि. त्यागी. हाँ. First name. हथौड़ा त्यागी का असली नाम क्या? हाँ. हथौड़ा तो फिर professional. हथौड़ा त्यागी तो लोगों ने बोला है असली नाम क्या उसका? लेकिन थोड़ा रिग लग रहा था ऑप्शंस तो फिर आई विल टेल यू स्टार्टिंग एन नाम ओनली विशाल मुन्नेस तो नहीं है सुबोध एंड प्रदीप सुबोध प्रदीप जो आंसर है वो नहीं बोला विशाल के लिए हो सकता पता नहीं क्योंकि विशाल शरीफ लगता है सुनने में ये देख सुबोध सुबोध त्यागी कैसा लगेगा सुबोध त्यागी सुबोध त्यागी सुनीता जी ने किस फिल्म के स्क्रीन प्ले पे काम किया है एक चालीस की लास्ट लोकल नहीं ऑप्शन में है लेकिन हाँ हाँ बताइए ऑप्शंस अच्छा ऑप्शन है एक चालीस की लास्ट लोकल स्ट्राइकर और मैं मेरी पत्नी और वो स्ट्राइकर हमेशा जो दो ऑप्शन नहीं होता है आंसर बट हाँ बस नाइस क्विज स्ट्राइकर हिमांशु शर्मा ने भी चंदन अच्छा हम आपसे क्वेश्चन करेंगे क्या आपको पता है कि वूड सेलेक्ट पे एक शो आने वाला है 4 अगस्त को नहीं मैंने मैंने सवाल क्या पूछा आपको पता हाँ पता तो है शो का नाम क्या है द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस कब आ रहा है 4th अगस्त थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस एट द क्विंट थैंक यू